नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। सर्व समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज फैजान रजा ने देश भर में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर आवाज उठाई है और जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। फैजान रजा का मानना है कि मॉब लिंचिंग से हमारा देश कमजोर हो रहा है और सरकार से मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग पर कठोर कानून बनाया जाए जिससे देश का माहौल खराब नहीं हो। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ रियाज अहमद की रिपोर्ट। मैं सब समाज संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हाफिज फैजान रजा। हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ बरेली जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया ताकि मॉब लिंचिंग के ऊपर एक सख्त कानून बनाया जा सके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 44 से ज्यादा मॉब लिंचिंग के नाम से घटनाएं घट चुकी हैं। और मॉब लिंचिंग का मतलब क्या हुआ? मॉब लिंचिंग का मतलब हुआ नफरत का इजहार करना। मॉब लिंचिंग का मतलब हुआ नफरत की निशानियां पैदा करना। मॉब लिंचिंग मुस्लिम दलित मौलवासियों के खिलाफ है। इससे हमारा देश का नुकसान हो रहा है, हमारा संविधान कमजोर हो रहा है।